हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रतुड़ी प्रेगनेंसी टॉक। जब हमारा गर्भधारण हो जाता है तो उस दौरान हमारे प्राइवेट एरिया में बहुत से चेंजेस आने लगते हैं। तो क्या वो चेंजेस होते हैं जिससे हम क्लियर हो सके कि हमारी प्रेगनेंसी इस महीने रुक चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन्स बनने लगते हैं, जिसमें एक होता है मेलानिन, जो कि आपकी प्राइवेट एरिया के कलर को इफेक्ट करता है। जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो मेलानिन का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे कि आपके डार्क एरिया और ज्यादा डार्क होने लगते हैं। तो उसमें प्राइवेट एरिया का डार्क होना भी आता है, जिसे आपको ध्यान देना है। आपके यूरिन के कलर में काफी ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि इस दौरान आपकी बॉडी में बीटा एसटीजी हार्मोन बनने लगता है, जो कि आपके यूरिन के कलर को इफेक्ट करता है। उसमें हल्की फुल्की आपको स्मेल आ सकती है, और जब आप मॉर्निंग के टाइम में यूरिन पास करते हैं तो उसमें हल्के फुल्के व्हाइट कलर के आपको बबल्स नजर आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बीटा एसटीजी। और आपको बार बार ये सेंसेशन होती है प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद, जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कि आपका यूरिन निकलने वाला है। ऐसा हो रहा है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि आपका गर्भधारण इस महीने हो चुका है। प्राइवेट एरिया में हल्की फुल्की चुभन या उसके ऊपर आपको लोअर एब्डोमिन में हल्का फुल्का दर्द होना, ये भी बताता है कि इस महीने आपका गर्भधारण हो चुका है। अब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव आने वाला है। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि आपका गर्भ एक हफ्ते का होता है, तो उस दौरान आपके वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन्स। बच्चे को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार के बाहरी बैक्टीरिया से बचाने के लिए इस दौरान आपकी बॉडी से काफी मात्रा में आपके प्राइवेट एरिया से वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, जो बताता है कि इस महीने आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो चुका है। हल्की फुल्की क्रैम्पिंग के साथ आपको पिंक कलर का या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आपके प्राइवेट एरिया से निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी क्लियर करता है कि आपका इस महीने गर्भधारण हो चुका है। ये सारे सिम्टम जो आपके प्राइवेट एरिया से रिलेटेड है आपको बताते हैं कि इस महीने गर्भधारण हो चुका है। फिर भी आपको अपने पीरियड मिस होने का वेट करना है और 3 से 4 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर पॉजिटिव रिजल्ट जरूर लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार।